जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आज शाम जरूर करें ये काम। दोस्तों एकादशी का पर्व महापर्व माना जाता है। सदियों पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत का पालन किया था और इस व्रत का पालन करके अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाया था। पौराणिक मतों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत और पूजन करता है उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं, अश्वमेघ के समान पुण्य प्राप्त होता है और हर तरह के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। इस दिन कोई विशेष उपाय करने से माना जाता है कि 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और अगर आप एक माता है तो इससे आपके संतान की भी रक्षा होती है। दोस्तों आज के दिन गाय और बछड़ों का पूजन करने के बाद उन्हें गुड़ और घास खिलाना चाहिए, इसे हम बछवारस भी कहते हैं, और पीपल को जल अर्पित करने से सभी तरह की कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी आर्थिक पक्ष कमजोर है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जरूर जला दें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को गुलाब की फूलों की माला पहनाएं। अगर माला ना संभव हो तो कम से कम लाल गुलाब के फूल से उनका श्रृंगार करें। भागवत गीता का पाठ करें और रात्रि में जागरण करना भी बहुत ही अच्छा होता है। भगवान विष्णु के पास सोना अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है, तो धरती पर अपना बिछौना लगाकर भगवान की मूर्ति के सामने सोएं और आप देखेंगे कि कैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी के दिन, हालांकि एकादशी और दोनों ही दिन को बैंगन नहीं खाना चाहिए और गाय का दूध या उससे बने हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाएं उन्हें 16 सिंगार का सामान किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दान करें। आप चाहें तो किसी दोस्तों को भी दान कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई फल अवश्य ही दें। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में धन वर्षा का योग बन जाएगा। धन लाभ के लिए दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, केसरिया जल से अभिषेक करें, केसरिया दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आप केवल जल से भी इनको जलावृत कर सकते हैं। परशिनावर्ती अगर शंख आपने घर में रखा हुआ है तो उससे करते हैं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होता है और आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में धन की प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। तुलसी की माला या चंदन की माला से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है और ऐसा माना जाता है कि इस जप को करने से आज के दिन पूर्व जन्म में किए गए पाप भी कट जाते हैं। बहुत ही शुभ योग होता है। मृत्यु पश्चात ऐसा माना जाता है कि उत्तम लोकों में स्थान पाने की होती है तैयारी और भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी कि अजा एकादशी श्री हरि का विधिवत शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुलाब का धूप दीप जलाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं, गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं, मखाने यानी कि ताल मखाने या फूल मखाने आप जो भी कहते हैं उसके खीर बना के बाबा को भोग लगाएं। तुलसी की माला से 108 बार कोई भी मंत्र का विशेष पूजन करें, खीर को प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें, इसके बाद खुद ही प्रसाद ग्रहण करें। कहते हैं कि इस तरह पूजन करने से व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों को स्थान प्राप्त करता है। इस दिन आपको गुलाबी कलर पहनना चाहिए। आज आप कोई भी काम उत्तर दिशा की ओर से कर सकते हैं। शाम के 6:47 से रात को 8:15 तक कोई भी शुभ काम आप इस दिन कर सकते हैं। इस समय आप बैठ करके ओम श्री निवासाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। आप 21, 51 या 108 बार भी जप कर सकते हैं। यह आप अपनी श्रद्धा अनुसार और वक्त के अनुसार कर सकते हैं। माना जाता है कि आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
लक्ष्मी जी को कमल कट्टे चढ़ाने से पढ़ाई में सक्सेस मिलते हैं। जो बच्चे मुसीबत में हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, उनकी माताएं ये काम करें कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो अगर लक्ष्मी माता पर कमल कट्टे के बीज चढ़ाएंगे आज के दिन ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सक्सेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी। कमल गट्टे के बीज आपको ब्लैक कलर के दिख सकते हैं, आपको किसी भी पूजे के शॉप में 1-2 रुपए में मिल जाता है। ये आप ले करके माता रानी को चढ़ाएं और प्रार्थना करें लक्ष्मी माता से कि आपके जीवन में आपको सक्सेस मिले। अगर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारे कलह है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आज के दिन आप किसी भी स्त्री को शक्कर का दान करें, चाहे वो कोई भी वर्ग से हो, किसी भी नीडी पर्सन हो या बिना नीडी हो, यानी जरूरतमंद हो या ना हो, आप किसी को भी शक्कर का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में ढेर सारी मिठास आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत दिन होता है एकादशी का, और एकादशी के साथ साथ द्वादशी के योग भी बन जाते हैं। अगर विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, तो माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसने लगती है। गाय के कच्चे दूध में आप केसर मिला करके विष्णु भगवान का शाम के समय अभिषेक करें। शाम को तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करनी है। तुलसी माता को जिस तरह आप तुलसी एकादशी, जिस तरह दिवाली के बाद आती है उसमें पूजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार पूजा करना है। तुलसी का पौधा घर पे कहीं बीच में रख लें, उसके आसपास आप चाहे तो रंगोली बना लें या फिर आप जैसा भी चाहे सजा सकते हैं। इसके बाद उसे एक चुनरी ओढ़ा दें। तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद आपको उसे मौली या कलावा से बांध देना है, 4 बार उसे लपेट दें। उसके बाद पंच उपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आरती रोली मौली आदि से पूजा करें, फिर उसकी 108 फेरे लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र का जाप करते हुए अगर आप 108 फेरे लगाते हैं, तो माना जाता है कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर ऐसा संभव नहीं है कि आप 108 फेरे लगा सकते हैं, 11, 21, 51 या आपके लिए ये भी संभव नहीं है, तो 7 या 4 फेरे भी लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और उसके बाद पूजा करके तुलसी माता को प्रणाम करें, और ध्यान रखें कि शाम के वक्त तुलसी माता को छूना नहीं है। जो भी सजावट आदि करनी है वो आपको शाम होने से पहले ही करनी है, ताकि शाम के बाद आप उनके फेरे लगा सकें। घी के दीपक जला करके आप फेरे लें, और चाहे तो आप अपने आस पड़ोस वाले लोगों को बुला करके अपने परिवार सहित सबके साथ फेरे लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत प्रकार की अच्छी चीजें आने लगती हैं। भगवान विष्णु का मंदिर अगर आपके घर के आस पास है, तो वहाँ जा करके गेहूँ, चावल या किसी भी प्रकार के अन्न या सीरा का आप दान कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण या घर में भी आप बैठ कर हाथ जोड़कर सीधे पर या किसी ब्राह्मण को या गरीब निर्धन को आप सीधा दान करें, इससे आपको विशेष प्रकार का महत्व होता है। अन्न दान करने से एकादशी के दिन माना जाता है कि जन्म जन्म तक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार में अन्न का धन का निवास होता है, और गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को बांटने से आपके जीवन के सभी प्रकार की कठिनाइयाँ हल्की हो जाती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है बाबा विष्णु के साथ साथ, और एकादशी के दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख आपने नहीं रखा है, तो आज के दिन अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख का स्थान रखेंगे और उसमें गंगा जल डाल करके अगर भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे, तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। आप चाहे तो 2 वक्त फलाहार पे रह सकते हैं, या पूरे दिन लिक्विड पे यानी तरल पदार्थ पे भी रह सकते हैं, या फिर आप चाह सकते हैं कि आप
कुछ भी ना खाएं। इस प्रकार आप रात्रि जागरण करें कि आप देखेंगे कि भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। 7 जन्म तक आपके जीवन में सुखी सुख रहेगा। पुराने सभी पाप आपके नष्ट हो जाएंगे और आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।